समुद्र की गहराई में मौजूद जीव जंतुओं को देखना आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के अद्भुत जीवों को देखने के लिए महासागर की अंधेरी जगहों पर गोते मारने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप समुद्र में बिना गोते लगाए वहाँ मौजूद जीव जंतुओं को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको समुद्र की गहराइयों में छिपे अद्भुत जीवों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। ब्लैंड नोज सिक्स गिल शार्क। ब्लैंड नोज सिक्स गिल शार्क को आम भाषा में काओ शार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो हेक्सन काइट्स शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है। ब्लैंड नोज सिक्स गिल शार्क की लंबाई 20 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है, जो दुनिया भर के ट्रॉपिकल समुद्री इलाकों में पाई जाती है। इस प्रजाति की शार्क समुद्र में 6500 से लेकर 8000 फीट की गहराई में निवास करती है, जो शिकार करने के लिए उथले पानी में आती है। सिक्स गिल शार्क का शरीर बहुत ही मजबूत होता है, जबकि इसका सिर चौड़ा और आंखों का रंग नीला या हरा होता है। इसका शारीरिक रंग ग्रे होता है, जबकि पीठ और शरीर के निचले हिस्से का रंग हल्का काला होता है। 590 किलोग्राम वजनी सिक्स गिल शार्क को अपने शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए ढेर सारे भोजन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति के लिए यह विभिन्न मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार करती है। ब्लैंड नोज सिक्स गिल शार्क की आंखें बहुत ही तेज होती हैं, जो समुद्र के गहरे और अंधेरी जगहों पर सामान्य से 7 गुना ज्यादा साफ दृश्य प्रदान करती हैं। और फिश। अगर आपने कभी बेहद लंबे आकार की मछली को नहीं देखा है तो और फिश को देखने के बाद आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मछली की यह विशालकाय प्रजाति ट्रॉपिकल महासागरों में निवास करती है, जिसे देखना या पकड़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और फिश की शारीरिक लंबाई 8 मीटर तक होती है, जबकि इसका वजन 270 किलोग्राम या उससे भी ज्यादा हो सकता है। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार और फिश अब तक की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली की जीवित प्रजाति है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। और फिश आमतौर पर 656 फीट की गहराई में निवास करती है। हालांकि इस प्रजाति की कुछ मछलियों को 3280 फीट की गहराई में भी खोजा गया है। और फिश को प्राचीन लोक कथाओं से जोड़कर देखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी तुलना समुद्री नाग से की जाती है। और फिश की त्वचा बहुत ही नरम होती है, जिसकी वजह से अगर इसे जरा सी भी चोट लग जाए तो ये बहुत जल्दी घायल हो जाती है। यही वजह है कि और फिश जल्दी से समुद्र की सतह पर नहीं आती है और बहुत ही सावधानी के साथ समुद्री जल में शिकार और गतिविधि करती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती इसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जाइंट स्पाइडर क्रैब। जापान के समुद्री इलाकों में पाए जाने वाला जाइंट स्पाइडर क्रैब समुद्री केकड़े की एक खास प्रजाति है, जो देखने में मकड़ी और केकड़े का मिश्रण लगता है। जाइंट स्पाइडर क्रैब के पैरों का फैलाव किसी अन्य ऑर्थोपॉड के मुकाबले सबसे बड़ा होता है, जिसकी वजह से यह समुद्री केकड़ा किसी दानव की तरह लगता है। इसे आमतौर पर जैपनीज स्पाइडर क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, जो 500 से 1000 फीट की गहराई में पाया जाता है। जापान के लोग इस समुद्री केकड़े को स्वादिष्ट भोजन के रूप में देखते हैं, जिसका शिकार करके कई तरह की जापानी डिशेज तैयार की जाती हैं। जाइंट स्पाइडर क्रैब के पैरों की लंबाई 12 फीट तक होती है, जबकि इसके शरीर की कुल लंबाई 16 इंच या उससे ज्यादा हो सकती है, और इसका वजन 18 किलोग्राम तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विशालकाय समुद्री केकड़ा 100 साल तक जीवित रह सकता है, जो अपना पेट भरने के लिए किसी भी चीज या जीव का सेवन करता है। जाइंट स्पाइडर क्रैब का शारीरिक रंग हल्का लाल या नारंगी होता है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन जापानी लोग इस जीव का शिकार करके उसे अपने खाने की प्लेट में सजाना ज्यादा पसंद करते हैं। लैंटर्न फिश। दुनिया भर के महासागरों में पाई जाने वाली लैंटर्न फिश मछली की एक छोटी प्रजाति है, जो पानी की सतह से 1300 से 3000 फीट की गहराई में निवास करती है। इस मछली के पास बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, जिनकी मदद से लैंटर्न फिश गहराई में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। लैंटर्न फिश रात के समय समुद्र की सतह से 82 फीट की गहराई में भोजन की तलाश में आती है, क्योंकि यहाँ उसे विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और केकड़े आदि को खाने का मौका मिलता है। लैंटर्न फिश की आंखें बहुत ही बड़ी होती हैं, जो अंधेरे में उसे रास्ता दिखाने का काम करती हैं। इस मछली की लंबाई 6 इंच तक होती है, जिसका शारीरिक रंग हल्का भूरा होता है। आमतौर पर पेंगुइन
वेल और दूसरी बड़ी मछलियाँ लैंटर्न फिश का शिकार करके अपनी भूख शांत करती हैं। लेकिन बीते कुछ साल में इस मछली की जनसंख्या में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण इंसानों द्वारा समुद्र में फेंका जा रहा प्लास्टिक कूड़ा और गंदगी है। लैंटर्न फिश इन वेस्ट चीजों का सेवन भोजन के रूप में करती है और परिणाम स्वरूप उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। नॉर्दर्न वुल्फिश। मछली की यह अजीबोगरीब प्रजाति उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर की मूल निवासी है, जिसकी शारीरिक बनावट समुद्री पत्थर की तरह होती है। नॉर्दर्न वुल्फिश को आमतौर पर रॉक टर्बोट, बुल हेडेड कैटफिश, ब्लू कैटफिश, ब्रॉड हेडेड कैटफिश, जेली वुल्फिश और द आर्कटिक वुल्फिश जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। मछली की इस प्रजाति को ठंडे पानी में रहना पसंद है, जो समुद्र की सतह से 328 से 5577 फीट की गहराई में पाई जाती है। नॉर्दर्न वुल्फिश के खून में एक अनोखा यौगिक पाया जाता है, जो बर्फीले पानी में एंटी फ्रीज की तरह काम करता है और इस मछली को ठंडे पानी में जीवित रखने में मददगार साबित होता है। नॉर्दर्न वुल्फिश का शरीर काफी मजबूत होता है, जबकि इसके नुकीले दांत और बड़ा सिर सी आर्चिन, केकड़े और घोंघे जैसे कठोर शरीर वाले जीवों का शिकार करने में सहायक होते हैं। नॉर्दर्न वुल्फिश की शारीरिक लंबाई 5 फीट तक बढ़ सकती है, जबकि इसका वजन 18 किलोग्राम या उससे ज्यादा हो सकता है। नॉर्दर्न वुल्फिश की त्वचा का रंग नीला, बैंगनी, भूरा या फिर जैतूनी हो सकता है, जो समुद्र में चट्टानों के पीछे छिपने और शिकार पर घात लगाने में मददगार साबित होता है। नॉर्दर्न वुल्फिश समुद्री जीवों समेत इंसानों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। अगर ये मछली गलती से किसी मछुआरे के जाल में फंस जाए तो मरने की स्थिति में भी यह उस पर हमला कर सकती है। नॉर्दर्न वुल्फिश का काटना और जख्म बहुत ही दर्दनाक होता है, जिससे बुखार, सिरदर्द, चक्कर आने और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। जाइंट ट्यूब वर्म्स। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले जाइंट ट्यूब वर्म्स देखने में बहुत ही विचित्र लगते हैं। इन वर्म्स की शारीरिक आकृति किसी ट्यूब की तरह होती है, जो प्रशांत महासागर के तल पर रहते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड के अत्यधिक उच्च दबाव को सहन करने की क्षमता रखते हैं। जाइंट ट्यूब वर्म्स को पहली बार देखने पर यह किसी समुद्री घास की तरह लगते हैं, जिसे कई गोताखोर देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जाइंट ट्यूब वर्म्स समुद्र के तल पर जहरीले और अम्लीय पानी में भी बहुत अच्छी तरह से फलते फूलते हैं और सालाना 33 इंच की लंबाई तक बढ़ते हैं। इनकी औसत लंबाई 8 फीट तक हो सकती है। जाइंट ट्यूब वर्म्स अंधेरे और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने का बहुत अच्छा उदाहरण पेश करते हैं, जो कई लोगों को हौसला प्रदान करते हैं। जाइंट ट्यूब वर्म्स का निचला हिस्सा सफेद और चमकदार होता है, जबकि ऊपरी हिस्सा लाल होता है और उसमें खून की तरह दिखाई देने वाला तरल पदार्थ भरा होता है। जाइंट ट्यूब वर्म्स के पास किसी प्रकार का मुंह या पाचन तंत्र नहीं होता है। यह जीव जिंदा रहने के लिए अपने अंदर मौजूद जीवाणुओं पर निर्भर रहते हैं। वैज्ञानिकों ने जाइंट ट्यूब वर्म्स को पहली बार साल 1977 में गैलापागोस आइलैंड के समुद्री तल पर देखा था, जो सतह से लगभग 8000 फीट की गहराई में पनप रहे थे। डिनर प्लेट जेलीफिश। इस विचित्र आकृति वाली जेलीफिश को देखना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, क्योंकि यह समुद्र की बेहद दुर्लभ जीवों की प्रजातियों में से एक है। इस जेलीफिश का असल नाम सॉलमिसिस है, लेकिन इसकी गोलाकार आकृति की वजह से इसे डिनर प्लेट जेलीफिश नाम दिया गया है। यह जेलीफिश देखने में जितनी खूबसूरत और आकर्षक लगती है, उतनी ही सक्रिय और खतरनाक शिकारी भी होती है। डिनर प्लेट जेलीफिश मुख्य रूप से कैलिफोर्निया के मॉन्ट्री बे के गहरे पानी में निवास करती है, जिसे 700 से 1000 मीटर की गहराई में देखा जा सकता है। डिनर प्लेट जेलीफिश का डायमीटर यानी व्यास 20 सेंटीमीटर तक होता है। इस जेलीफिश का शरीर बहुत ही नरम होता है, जिसके चारों तरफ टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। समुद्र की गहरी और अंधेरी जगहों पर डिनर प्लेट जेलीफिश का शरीर बहुत ही आकर्षक तरीके से चमकता है, जिसे देखना बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। हालांकि अत्यधिक गहराई में रहने की वजह से वैज्ञानिक डिनर प्लेट जेलीफिश के व्यवहार और उसकी शारीरिक आकृति को लेकर ज्यादा शोध नहीं कर पाए हैं। हालांकि भविष्य में इस जेलीफिश से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त होने का अनुमान जताया जा रहा है। स्काउट लॉबस्टर। गहरे समुद्र में पाया जाने वाला स्काउट लॉबस्टर एक चपटे आकार का सेफेलोथोरैक्स है, जिसके पास एक लंबी और मुड़ी हुई पूंछ होती है। समुद्र में 8579 फीट की गहराई में रहने वाला स्काउट लॉबस्टर
असल में हर्मिट क्रैब का करीबी संबंधी माना जाता है, जो समुद्र में अंधेरे और नमी वाली जगहों पर पाया जाता है। स्काउट लॉबस्टर का शरीर बहुत ही नरम होता है, जिसकी पीठ पर शेल्स मौजूद नहीं होते हैं। यह जीव अपने शरीर की रक्षा करने और दूसरे शिकारी जीवों से बचने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करता है, जो काफी नुकीले और घातक होते हैं। स्काउट लॉबस्टर की शारीरिक लंबाई कुछ इंच ही होती है, लेकिन इसके आर्म्स शरीर की कुल लंबाई से कई गुना लंबे और बड़े हो सकते हैं। स्काउट लॉबस्टर शिकार करने के बजाय समुद्र के मृत पेड़ों और लकड़ियों को खाकर जिंदा रहता है, लेकिन कछुए और दूसरे समुद्री जीव स्काउट लॉबस्टर को अपना शिकार बनाने से परहेज नहीं करते हैं। तो ये थे समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले बेहद आकर्षक और रहस्यमय जीव, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनमें से आपको कौन सा जीव सबसे ज्यादा आकर्षक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।